पूज्य श्री जया किशोरी जी, आदरणीय अभिभावकगण व भागवत कथा में उपस्थित आप सभी श्रेता गणों का मैं इसी का शर्मा अभिनंदन करती हूँ। आज मैं समाज में नारी के व्यक्तित्व अस्तित्व पर दो शब्द कहना चाहूंगी। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कलयुग की फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद में ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नृत्य दिखलाई, कभी जो मैंने हार न माना, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कलयुग हो या सत्युग हो इल्जाम मुझे पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है, मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया, नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कट डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कट डाला, मारा है मुझको, पीटा है बालों से मुझे, घसीटा है फिर परिबलता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया, सन्नाटे में छींक रही थी खून से लंपत वो काया, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूट गई, जब होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई, परिवार की बदनामी होंगी सब मुझे यही समझाते हैं, इतने उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बहक ही जाते हैं, अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, लड़के बच्चे जाएंगे, तुम लड़की हो दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे, इस प्रश्न की भूलभुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, सब भूल जाओ कहने वालों के तुम्हें शर्म नहीं आती है, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, कल सड़क में बेसुध बहने बेटी आपकी भी हो सकती है, और उस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है, तो आप रलो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। एक बार जोरदार तालियां हमारी उस बेटी के लिए। कविता के रूप में हम सभी को उन्होंने सच्चाई दिखाई है। रोजाना न्यूज़पेपर में पढ़ना, टीवी में न्यूज देखना लगने को बहुत साधारण लगता है, ये सब एक बार के लिए थोड़े दुखी हो जाते हैं, क्या हो रहा है, लेकिन सिर्फ वो जो न्यूज में आ रहा है कि किसी के साथ कुछ गलत हो गया या मृत्यु हो गई, सिर्फ वो ही अन्याय नहीं होता। जरूरी नहीं जो चीजें वर्षों से चली आ रही है वो सही है। कई बार कहा जाता है कि एक रीति रिवाज बनाया गया है, भाई वर्षों से चले आ रहा है कि बेटी को घर संभालना है, लड़के को बाहर काम करना है, भले ही उसका दिमाग ऐसा है कि वो दुनिया चला सकती है, इतनी शक्ति है उसमें, इतनी बुद्धि है, इतना विवेक है कि वो पूरी दुनिया को चला सकती है, लेकिन उसको सिर्फ घर के अंदर सीमित कर दिया गया है। सारे रीति रिवाज, सारे नियम सब लड़की के लिए, पूरी घर की इज्जत सिर्फ लड़की पर है। लड़का कुछ भी कर सकता है, वो लड़का है, तुमको सबकी इज्जत संभालनी है, और उसकी इज्जत संभालने के लिए लड़के को कभी नहीं कहा जाता कि तुम दूसरे के घर की इज्जत संभाल कर रखना,
हम कई बार कहते हैं ना कि घाव जिसको होता है दर्द भी वही जानता है। तो शायद आज तक क्योंकि कोई नारी कहती नहीं आई है, इसका मतलब ये नहीं कि पीड़ा होती नहीं है। आगे बढ़ भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जब कोशिश कर रहे होते तब कोई रोकता नहीं है, चाहे वो कोई और लड़की हो, चाहे मैं हूं। आज आप कहते, आज आप सब बड़े प्रसन्न हैं स्थान पर देखकर, पर जब स्थान की तैयारियां हो रही थी तब शायद लोग प्रसन्न नहीं थे। बड़े होने के बाद तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन उससे पहले कितने रोक टोक कोशिश की जाती है कि आगे ना बढ़े। क्यों? क्योंकि लड़की है, लड़कियों को थोड़ी शोभा देता है, व्यासपीठ पर बैठना शोभा नहीं देता, काम करना शोभा नहीं देता, घर से बाहर जाना शोभा नहीं देता। शोभा क्या देता है कि बस हम जो कह रहे हैं वो करते जाओ। एक बार के लिए मैं चाहूंगी ये सारी चीजें जो एक लड़की के साथ करते हैं वो अपने ऊपर लागू करके देखना। एक बार के लिए सोच कर देखिएगा कि आप आधी जिंदगी जिस घर पर बिता रहे हैं। मैंने कितनों को कहते हुए देखा, एक लड़की को अपना अगर शादीशुदा जीवन बचाना है ना तो शादी के बाद माता पिता से बात करना कम कर दो। आपको मुमकिन लगती है ये चीजें? उसने आधी से ज्यादा जिंदगी वहां बिताई है, वो माता पिता है। कितनी आसानी से आकर कह देते हैं। और वही जब अगर बहू बेटे को घर से अलग कर दे तो सारी उंगलियां उस पर उठती है, जबकि हम वर्षों से बेटियों को माँ बाप से अलग करते आ रहे हैं। फिर भी बिना किसी शिकायत के सारे फर्ज निभाए जाते हैं, और उन फर्ज को निभाने के बाद उनका धन्यवाद करने की बजाय कहते हैं पूरी दुनिया तो करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम अकेली थोड़ी हो जो ये किया है। तो एक बार के लिए निवेदन है वो जिस स्थितियों से गुजरती है ना एक बार अपने ऊपर लागू कर देखिए कैसा महसूस होता है। फिर शायद ही मुझे लगता है कि किसी लड़की को अपने हकों के लिए लड़ने की जरूरत होगी। सारे हक अपने आप दे दिए जाएंगे, क्योंकि अपने आप समझ जाएंगे कि कितनी तकलीफ होती है। शादी हुई नहीं कि सारे प्रश्न पूछने, अब तो काम कम हो जाएगा, अब तो काम बंद हो जाएगा, अब तो ज्यादा बाहर नहीं जाना है। तो शादी तो लड़के की भी हुई है, उसको भी कहो फिर वो भी काम कम कर दे। तो वो चीजें कितनी तकलीफ, जरूरी नहीं पहले किसी ने कहा नहीं तो उनको तकलीफ हुई नहीं। और शिक्षा मैंने क्यों कहा जरूरी है, कितने हैं उनको ये पता ही नहीं है कि उनका ये हक है कि उनको अपने अनुसार जीवन जीना चाहिए। कितनी औरतें ऐसी हैं जो सोचती नहीं हमारी हमारा जीवन ही ऐसा है कि हमको सिर्फ घर के अंदर बंद रहना है। उन्होंने मान लिया है ये चीज, तो जरूरी है, मैं उनसे ज्यादा कहूंगी आप आगे बढ़ाइए। आपसे कोई प्रश्न करे ना तो उनसे पहले आप जवाब दीजिए, तो कोई फिर उनसे प्रश्न करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये बात दोनों तरफा है, कहा जाता ना एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे एक सफल औरत के पीछे भी उसके आदमी का हाथ होता है। और चाहे आदमी पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, जो साथ में खड़ा रहता है कहने को कि वो जो करना चाहती है वो करेगी, उसको जैसे जीवन जीना है मैं साथ खड़ा हूं। माता पिता के लिए मैं यही कहूंगी, ये बात सिर्फ स्त्री के लिए भी नहीं चली, दोनों बच्चों के लिए। आज बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पर,
ठीक है, हम बच्चों को सही चीजें समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, इज्जत का ख्याल रखना, लेकिन इसके बावजूद मैं सभी माता पिताओं से एक निवेदन करूंगी, चाहे वो यहाँ बैठे हैं जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, इन सारे संस्कारों के साथ साथ, लेकिन एक वाक्य हर माता पिता अपने बच्चे से कहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुमसे बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर देखिए, कोई बच्चा ऐसा कदम नहीं उठाएगा, वो कदम उठाता है क्योंकि उसको शब्द सुनने मिलते हैं, ऐसा कर दिया ना घर से निकाल देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे, वो डर जाता है गलती करने के बाद। इंसान है, भगवान का रूप नहीं है कि कभी गलती नहीं करेगा, लेकिन गलती करने के बाद वो इतना डर जाता है कि माता पिता को चेहरा दिखाने की बजाय उसे जीवन को त्यागना ज्यादा आसान लगता है। चाहे वो एग्जाम्स हो, एग्जाम में भी नहीं पास हुए तो कोई बात नहीं, प्यार उतना ही करते हैं, एक बार नहीं दूसरी बार हो जाओगे, दूसरी बार नहीं तीसरी बार हो जाओगे, मेहनत कर रहे हो ना, बस वो जरूरी है। मैं सभी से आज मेरे जीवन में मैं एक ही बात कहूंगी कि मेरे पिता ने, माता ने मुझसे हमेशा एक ही चीज कही थी, हमको रिजल्ट से मतलब नहीं है, वो पास है फेल, वो चाहे एग्जाम स्कूल के समय हो या कथाओं के समय हो या कार्यक्रम के समय, हमको रिजल्ट से मतलब नहीं है, हमको मेहनत से मतलब, मेहनत की है ना, हमको दिखी मेहनत हमारे लिए जीत गई, वो बाकी दुनिया के लिए जीतना वो होता रहेगा, मेहनत की है वो ही बहुत है। तो आपको तो मेहनत दिखेगी अपने बच्चे की, मेहनत किया ना बहुत है, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, गलती कर दी कोई बात नहीं, समझाएंगे, गलती की सजा भी पर हम देंगे। जब माता पिता खड़े हैं और आपके सामने आपके बच्चों को कोई और 10 बातें कहकर चला जाए, अच्छी बात है, अरे हमारा बच्चा है, जो किया है हम देखेंगे, हमारे परिवार की बात है, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले। सभी माता पिताओं से निवेदन है, अपने बच्चों को हमेशा एक चीज सिखाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। शायद फिर ये जो नए शब्द आ गए हैं ना, जेनरेशन गैप और ये इत्यादि, माता पिता और बच्चों के बीच जो दूरियां हैं वो शायद मिट जाएगी। आइए, ठाकुर जी के आने का दिन है और इतनी अच्छी शुरुआत हुई है कि एक अच्छी सीख के साथ एक अच्छी दुनिया बनाते हैं और आगे, और हम ही हैं जो आगे की पीढ़ी को अच्छी चीजें सौंप कर जाएंगे, वरना वो आकर यही कहेंगे क्या देकर गए हमारे बुजुर्ग, में कैसी दुनिया देकर गए हैं, कुछ भी नहीं है।